राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी से इनकार किया है। दरअसल कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि सीपी ठाकुर ने खुद को राष्ट्रपति पद का सुयोग्य उम्मीदवार बताया है, लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में सीपी ठाकुर ने इस खबर को गलत करार दिया। राष्ट्रपति चुनाव होने में महज कुछ दिनों का समय बचा है, लेकिन न तो सरकार और न ही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सीपी ठाकुर ने खुद को राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवार बताकर फिलहाल सनसनी मचाई हुई, क्योंकि इसको एक तरह से ऐसे देखा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया है। सर, पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि वाकई आप का ऐसा कहना कि मैं पार्टी के योग्य हूं तो धर्म संकट, मैंने इसको कहा ही नहीं तो आप कहां से इसको उठा दिए सवाल? लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आप राष्ट्रपति का मीडिया रिपोर्ट्स को कोट मत कीजिए। मीडिया आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बराबर इस चीज को कहा है कि हमारी पार्टी में जो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, मेरा उसमें कुछ कहने का सवाल नहीं उठता। नहीं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि आपने ये कहा था कि मैं इच्छुक हूँ, अगर पार्टी विचार करे तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये भी मैंने नहीं कहा, कभी कहा कि मैं इच्छुक हूँ अगर पार्टी तैयार करे। नहीं, हम लोग यहाँ जब पार्टी डिसाइड करती है तो पार्टी तब बताएगी, तब हम लोग कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे। हम लोग कभी कहा भी नहीं कि मैं इच्छुक हूँ, और ये कभी मैंने कहा नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।